नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा माता वैष्णो देवी का धाम। और ठीक मेरे सामने जो जगह देख रहे हैं ये है बाणगंगा चेक पॉइंट। यहाँ से हमको अंदर एंट्री कराना पड़ेगा और एंट्री कराने के बाद ही माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा करने की इजाज़त मिलेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं बाणगंगा चेक पॉइंट पर और वहाँ से हम अपना एंट्री कराएंगे और एंट्री कराने के बाद आपको माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा कराते हैं। यकीन मानिए यात्रा बहुत ही आनंदमयी होने वाली है और आज का मौसम भी काफ़ी सुहाना है, इसीलिए ये जो पहाड़ है पूरा एकदम ग्रीनरी की तरह देखने में लग रहा है, काफ़ी हरा हरा इसका जो पहाड़ जंगल है सब दिख रहा है, तो काफ़ी खुशनुमा मौसम है। तो चलिए अब चलते हैं बाणगंगा चेक पॉइंट, हम वहाँ पर अंदर एंट्री कराएंगे और एंट्री कराने के बाद आगे अपनी माता वैष्णो देवी या धाम की यात्रा की शुरुआत करेंगे। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आप वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। हम अपनी माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा दोस्तों आगे चलेंगे और आगे जाने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमको पैदल जाना है या फिर खच्चर से। अगर खच्चर मिल जाएगा तो हम खच्चर से ही जाएंगे, अगर नहीं मिला तो हम पैदल ही धाम की यात्रा करेंगे। तो अभी चलते हैं आगे चेक पॉइंट पर, अपना पहले चेकअप कराते हैं उसके बाद अंदर जाने दिया जाएगा। यही है बाणगंगा पॉइंट चेक पॉइंट, जहाँ से यहाँ पर चेकअप किया जाता है और चेकअप करने के बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाता है माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा करने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं और हम भी अपना चेक कराते हैं और चेक कराने के बाद अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ पर सारे लोग चेक कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। अभी आगे बहुत बारीकी ढंग से यहाँ पर चेकअप किया जाता है और चेकअप करने के बाद दर्शनार्थियों को अंदर जाने दिया जाता है, तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आगे आपको माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा जरूर कराएंगे। फाइनली दोस्तों बाणगंगा चेक पॉइंट पर हमको चेकअप करने के बाद हमको एंट्री मिल गई। अब हम माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा अब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम आपको माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा कराते हैं, आगे चलते हैं। अगर घोड़ा खच्चर अगर कुछ मिलेगा तो हम उसी से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर भक्तों की भीड़ भी काफ़ी संख्या में है, यहाँ पर लोग देश के कोने कोने से आते हैं माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा करने के लिए और दर्शन करने के लिए। और आज हम भी आए हैं माता वैष्णो देवी धाम का दर्शन करने के लिए, तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे।
अभी शाम के बज रहे हैं 4:20 और फिर भी शाम के टाइम भी यहाँ पर भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है और ये सभी लोग माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए अब हम भी आगे बढ़ रहे हैं। अब कितना टाइम लगता है अब तो जाने में पता चलेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। फाइनली दोस्तों हम माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा करने के लिए खच्चर कर लिया है और हमको लगभग 1250 रुपये का पड़ा है, जिस पर आपका 18% का GST भी लगता है। तो आप यहां पर आते हैं तो आप खच्चर से भी अपने धाम की यात्रा कर सकते हैं। और ये दो कार्ड भी हमको मिला है, यही कार्ड हमको साथ लेकर जाना पड़ेगा ताकि घोड़े वाले को हम दिखा सकें, तभी वो घोड़े वाला हम लोगों को जाने देगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने खच्चर पर बैठ रहे हैं और खच्चर पर बैठ के अपने वैष्णो देवी धाम की यात्रा करेंगे। फाइनली दोस्तों हम घोड़े पर बैठ गए हैं अपने धाम की यात्रा करने के लिए और देखते हैं कितना टाइम लगता है माता वैष्णो देवी धाम तक पहुंचने में, क्योंकि मैं पैदल नहीं जाना चाहता था, समय बचाना चाहता था, इसीलिए हमने घोड़ा कर लिया और यही वो रूट है जो कि माता वैष्णो देवी धाम तक जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आज हम आपको माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा जरूर कराएंगे। तो आप भी अगर माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 3 तरीकों से आ सकते हैं, या तो पैदल आइए, दूसरा हेलीकॉप्टर से, तीसरा चाहे तो आप खच्चर कर सकते हैं। तो 3 तरीकों से आप माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि कितना टाइम में हमको यह घोड़ा पहुँचाता है और चलने पर काफ़ी आनंद भी आ रहा है। जय माता दी। अभी माता वैष्णो देवी धाम जो है अभी काफी ऊंचाई पर है और हमको अभी बहुत आगे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको दर्शन जरूर कराएंगे हम। ये है बाण गंगा जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और यहाँ पर लोग स्नान करके माता वैष्णो देवी के धाम के दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो ये जो झरना है इसे बाण गंगा बोलते हैं और ये वो रास्ता है जो कि सीधा आपका माता वैष्णो देवी धाम जाएगा। काफ़ी खड़ी चढ़ाई भी है और आगे देखते हैं कि अभी कितना टाइम लगता है माता वैष्णो देवी धाम जाने में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, प्यारे बोलो जय माता दी।
मिलके बोलो जय माता दी माता माता जय माता दी। हाँ ऊपर ऊपर। हाँ अभी दोस्तों एक घंटे के टाइम के बाद हम अर्धकुंवारी के पास लगभग पहुंचने वाले हैं और ये घोड़ा भी काफ़ी तेज चल रही है जिसकी वजह से अर्धकुंवारी के हम बेहद करीब पहुंचने वाले हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं ये है कटरा सिटी। अभी शाम के 5:20 हो रहे हैं। अभी देखते हैं कि माता वैष्णो देवी धाम तक पहुंचने में अभी कितना टाइम लगता है। तो आप अगर खच्चर करते हैं तो खच्चर से आप बहुत आसानी तक धाम तक पहुंच सकते हैं। जिन लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है या फिर कोई सांस की बीमारी होती है तो आप पैदल ना चलें, आप खच्चर का प्रयोग करें, आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। तो भक्तों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि माता वैष्णो देवी बहुत प्रसिद्ध धाम है, इसलिए यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आज हम भी आपको माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन कराएंगे। यकीन मानिए यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके भी मन में यह जिज्ञासा होने लगेगी कि आप भी अपने जीवन काल में एक बार ऐसे पवित्र मंदिर के दर्शन करने आप जरूर आएंगे। और एक तरफ आप देख सकते हैं ये है कटरा सिटी और ये घोड़ा भी बहुत तेज चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा बैलेंसिंग बिगड़ जा रहा है मेरा। प्यारे बोलो जय माता दी माता माता जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी प्यारे बोलो जय माता दी। मेरे गले में दोस्तों थोड़ी सी खराश है जिसकी वजह से हमारी जो आवाज़ है वो थोड़ा सा दब भी रही है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर भी मैं आपको माता वैष्णो देवी के धाम जरूर ले चलूँगा, आपको दर्शन भी जरूर कराऊँगा। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा, यहाँ आने के बाद भक्तों में एक अलग तरीके का उत्साह रहता है। जय माँ वैष्णो देवी। और शाम के टाइम आप देख सकते हैं बहुत ये खूबसूरत ये दृश्य, और इसी चीज को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं इस माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब हम भी चल रहे हैं माता वैष्णो देवी के धाम और आज आपको दर्शन भी कराएंगे। प्यारे बोलो जय माता दी मिलके बोलो जय माता दी माता माता जय माता दी। प्यारे बोलो जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। जय माता दी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भक्तों में कितना ज्यादा उत्साह है और इसी उत्साह और जोश के साथ आप यहाँ पर आइए और माता के दर्शन करिए। यकीन मानिए आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी। वैष्णो देवी धाम जाने वाले रास्ते पर मित्रों आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलते हैं।
तो यही फायदा होता है कि जब आप ट्रैक करते हुए जाते हैं तो आपको रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर ये खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी माता वैष्णो देवी का धाम यहाँ से करीब अभी एक घंटे और लगेंगे और एक घंटे के बाद हम माता वैष्णो देवी के धाम पहुँच जाएंगे। तो बने रहिएगा, आपको माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन हम जरूर कराएंगे। बस कुछ ही समय और बाकी हैं और हम अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। अभी दोस्तों हमको 3 घंटे हो गए लगभग, अभी भी हम माता वैष्णो देवी धाम नहीं पहुंच पाए हैं। शाम को 4:20 पर नीचे से निकले थे और लगभग 3 घंटे की चढ़ाई के बाद अभी हम भवन से अभी 1 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। और इस वक्त 7:25 भी हो रहा है शाम के, तो 3 घंटे से ज़्यादा हमको लग गए। अभी आप देख सकते हैं अंधेरा भी हो गया है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन जरूर कराएंगे। फाइनली दोस्तों हम माता वैष्णो देवी धाम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यह रात का बहुत ही विहंगम नज़ारा, जो कि माता वैष्णो देवी का जो भवन है वो हमको दिख रहा है और बहुत ही जगमग रोशनी भी है। और हम चलेंगे और आपको माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन भी कराएंगे। फाइनली हम यहाँ तक अब पहुँच चुके हैं, लगभग 3.5 घंटा के टाइम के साथ आखिरकार हम यहाँ पर पहुँच ही गए। तो मेरे बगल में देख सकते हैं ये माता वैष्णो देवी भवन, जो कि बहुत ही एकदम जन्नत जैसा नज़ारा लग रहा है दोस्तों। इतनी खूबसूरत लाइटिंग से इसकी रोशनी जगमगा रही है कि आप इसे देखेंगे तो आपका शायद मन मोह लेगा। तो अभी देखते हैं कि ये घोड़ा अभी कहाँ तक जाता है, हो सकता है कि आपको और पास से दिखाएं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको पास से दिखाते हैं और माता वैष्णो देवी के भी आपको दर्शन कराएंगे। अगर आप पैदल आते हैं दोस्तों तो लगभग आपको 10 घंटे लग जाएंगे, 10 से 12 घंटे लग जाएंगे। और वही आप अगर खच्चर से करते हैं, घोड़ा से करते हैं, जाते हैं, तो लगभग आपको 3 से 3.5 घंटे में आप आसानी से आप नीचे से ऊपर भवन तक पहुंच सकते हैं। तो फाइनली हम यहां पर पहुंच चुके हैं और दूसरी बार हम यहां पर आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और माता वैष्णो देवी का दर्शन भी करके हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय माँ वैष्णो देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इस चांदनी सी रोशनी में माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करके सच में मानो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, तो कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। और हमें लग रहा है कि ये जो घोड़ा है यहीं पर रुक जाएगा, आगे शायद ना जाए। तो अब ये घोड़ा इस्टाब्लिश होने के बाद दोस्तों हम चलेंगे, आपको पास से माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा, हम आपको इसी वीडियो में सब कुछ दर्शन कराएंगे। यहाँ पर माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं मित्रों,
बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए अब हम भी आगे चल रहे हैं और देखते हैं कि कैमरा कहां तक ले जाने के लिए अलाउड रहता है। आप देख सकते हैं मित्रों, यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ है और अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। ये सारे लोग माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो हम भी दर्शन करेंगे। और जो हमारा मोबाइल पर्स होगा वो सब लॉकर में जमा हो जाता है और उसके आगे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता, तो हम अपना यहीं पर मोबाइल सब जमा करते रहे, उसके बाद ही हम जाएंगे माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन करने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं कि माता वैष्णो देवी धाम के ऊपर ये बहुत सारी सुंदर जगमग जगमगाता हुआ ये भवन। और चलिए हम सबसे पहले लॉकर में अपना मोबाइल जमा करते हैं, उसके बाद हम माता वैष्णो देवी के धाम के दर्शन करके पुनः वापस आते हैं।